हे गाइस, हम चन्मय हैं और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट व्हाट आर ऑप्शंस। ऑप्शंस क्या होते हैं, कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है, विल टॉक अबाउट एवरीथिंग इन डिटेल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद इट। तो सबसे पहले तो हम लोग समझते हैं कि ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं। व्हाट डू वी एग्जैक्टली मीन बाय द वर्ड कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, और उसके लिए एक छोटा सा हम लोग एग्जांपल लेते हैं। सो देयर इज दिस हाउस ऑन अ सेल नियर बाय मी फॉर 10 लाख रुपीज। उसका जो लैंड ओनर है वो 10 लाख रुपए में उस घर को बेचने की कोशिश कर रहा है, और विद इन 6 मंथ्स मेरे एनालिसिस के हिसाब से और अकॉर्डिंग टू माई रिसर्च एंड डेवलपमेंट व्हाट एवर आई हैव डिड, इस घर की कीमत 10 लाख से 15 लाख हो जानी चाहिए, बिकॉज आसपास बहुत सारी चीजें नई नई बन रही हैं, बहुत सारे रोड्स बन रहे हैं, बहुत सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग आ रही हैं, मॉल्स आ रहे हैं, थिएटर्स आ रहे हैं और शोरूम्स आ रहे हैं, बहुत सारी चीजें बेसिकली आ रही हैं। तो अकॉर्डिंग टू मी इस घर की कीमत विद इन 6 मंथ हो जाएगी 10 लाख से 15 लाख। अब इस सिंपल से एनालिसिस पे 10 लाख रुपए देके उस घर को खरीद लेना विल बी अ बिट टू मच रिस्क, क्योंकि पूरा 10 लाख रुपए मेरे को वहां पे देना पड़ेगा, और 6 महीने बाद अगर उस घर की कीमत नहीं बढ़ती है तो एक्चुअली देखा जाए तो मेरे को उस घर को खरीदना भी नहीं है। आई एम जस्ट हियर टू मेक प्रॉफिट्स आउट ऑफ दैट, राइट? तो इन दैट केस व्हाट आई डू इज आई विल गो एंड आस्क द लैंड ओनर कि चलो ठीक है, हम लोग एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं जहां पे ये मेंशन रहेगा कि मैं इस घर को विद इन 6 मंथ खरीद लूंगा, ठीक है, 6 महीने बाद इस घर को मैं एट द सेम प्राइस जो अभी है इसकी उसी प्राइस पर खरीदूंगा, दैट इज 10 लाख रुपीज, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट द करंट मार्केट प्राइसेस विल बी एट दैट पॉइंट इन टाइम, बी एट 8 लाख हो जाए, 6 लाख हो जाए या 15 लाख भी हो जाए, आपको मेरे को ये घर 10 लाख में ही बेचना है, दैट इज द कॉन्ट्रैक्ट वी साइन अप फॉर, और 6 महीने तक ही कैन नॉट सेल इट टू एनीवन एल्स विदाउट माय परमिशन, जब तक मैं ना बोलूं, और 6 महीने बाद ही विल बी अलाउड, आई मीन नॉट अलाउड, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा 6 महीने बाद, इनवैलिड हो जाएगा अगर मैं उस घर को नहीं खरीदता हूँ, उस कॉन्ट्रैक्ट को जाके एग्जीक्यूट करके उस घर को खरीद नहीं लेता हूँ तो कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड हो जाएगा। सो ही कैन सेल इट टू एनीवन एट वॉट एवर डिजायर्ड प्राइस ही वॉन्ट्स टू, और जो भी करंट मार्केट प्राइस उस घर की होगी एट दैट पॉइंट इन टाइम। और राइट, तो 6 महीने बाद आई विल गो एंड बाय दैट पर्टिकुलर हाउस इज व्हाट आई हैव मेंशनड इन दैट पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट। अब दिस पॉइंट इन टाइम देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, एक उस घर की कीमत बढ़ के हो जाती है 10 लाख से 15 लाख रुपए, बी उस घर की कीमत सेम टू सेम रहती है। नाउ व्हाट डू आई डू इन बोथ द केसेस। पहले केस में अगर हम लोग बात करें तो मैं सिंपली जाके क्या करूंगा, उस घर की कीमत ऑब्वियसली बढ़ गई है, मैं सिंपली जाके क्या करूंगा कि उस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट कर दूंगा। अब एक बात हम लोग को ध्यान रखनी पड़ेगी कि जब हमने उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया था तो वहां पे हमने ये मेंशन किया था कि आई विल पे यू 50,000 रुपीज फॉर दैट, राइट? मेरे को एक प्रीमियम देना पड़ेगा, दिस नॉट एन एडवांस टू बुक द हाउस, दिस इज अ प्रीमियम दैट आई एम पेइंग फॉर साइनिंग अप दैट पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट। और अगर मैं इस घर को खरीदता हूँ 6 महीने बाद तो ये प्रीमियम ऑब्वियसली मेरे को प्रीमियम तो देना ही है, उसके बाद घर की कीमत अलग से देनी है। एंड अगर मैं इस घर को नहीं खरीदता हूँ तो द पर्टिकुलर लैंड ओनर विल कीप दैट पर्टिकुलर अमाउंट, राइट? तो मैंने 50,000 रुपीज एज अ प्रीमियम दिया था उस घर के लैंड ओनर को। अब इन फर्स्ट केस क्या होगा कि मैं सीधे जाके उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट कर लूंगा और 10 लाख रुपए दे के उस घर को खरीद लूंगा। अब ये घर टोटल मेरे को कितने में पड़ा, 50,000 रुपीज जो मैंने प्रीमियम पे किया था, 10 लाख रुपए जो मैंने घर के लिए पे किया, दैट इज 10,50,000 रुपीज इज हाउ मच आई पेड फॉर बाइंग दिस पर्टिकुलर हाउस। और इस घर की कीमत अगर होती है 15 लाख रुपए तो हाउ मच प्रॉफिट आई एम मेकिंग इन दिस पर्टिकुलर केस, 15 लाख माइनस 10,50,000 इज डायरेक्टली 4,50,000। मैंने प्रीमियम कितना पे किया था टू बाय द पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट, मैंने प्रीमियम लिटरली 50,000 पे किया था, एंड द प्रॉफिट आई एम रिसीविंग राइट ओवर हेयर मेरा एनालिसिस सही जाने के बाद इज 4,50,000 रुपीज, विच इज 9 times ऑफ व्हाट आई पेड, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप एक चीज देखो तो अगर कॉन्ट्रैक्ट दूसरा केस ले लेते हैं अब यहीं पे कि अगर कॉन्ट्रैक्ट अगर जो घर है उसकी कीमत 10 लाख से 15 लाख नहीं होती तो आई वुड हैव लेट दैट हाउस गो, मैंने उस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट नहीं किया होता और मैं उस घर को नहीं खरीदता, और 50,000 रुपये जो मैंने पे किए थे लैंड ओनर जो है वो 50,000 रुपये रख लेता, सिंपल एज दैट। नाउ इन दैट केस व्हाट विल हैपन इज कि मेरा 50,000 रुपये का लॉस हो गया, राइट? सो दोनों सिचुएशंस अगर आप देखो तो ए, जब मैं फर्स्ट सिचुएशन जहाँ पर मैं प्रॉफिट कर रहा हूँ, आई एम मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 4,50,000 रुपीज, एंड इन सेकेंड केस वेर आई एम लूजिंग मनी, जहाँ मेरा एनालिसिस गलत जा रहा है, आई एम लूजिंग ओनली 15,000 रुपीज। सो दैट इज वॉट कॉन्ट्रैक्ट्स आर। Now let us take a parallel example of a stock, ABC Limited नाम का एक स्टॉक है, 1,000 रुपये अभी वो ट्रेड कर रहा है। आपका एनालिसिस ये बोलता है कि विद इन अ मंथ, मैटर ऑफ अ मंथ, ये पर्टिकुलर स्टॉक जो है वो 1,200 के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर देगा, आई मीन 1,000 से ये जो है बुलिश मोमेंटम करना शुरू कर देगा यहाँ से। ऑलराइट, आप सिंपली जाके कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हो, ये मेंशन करते हो कि स्टॉक जो है बुलिश रहेगा, 1,000 के ऊपर रहेगा बाय द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर मंथ। ऑलराइट, और ऑब्वियसली फॉर एवरी सिंगल, जब जैसे कॉन्ट्रैक्ट जब भी साइन होता है, एवरी सिंगल कॉन्ट्रैक्ट बीइंग ट्रेडेड, देयर आर टू पार्टिसिपेंट्स, ऑलराइट, जैसे घर
के एग्जांपल में भी एक मैं था और एक लैंड ओनर था, वैसे ही यहाँ पे भी दो लोग रहेंगे, तो आप सिंपली जाके कॉन्ट्रैक्ट को अगर साइन कर रहे हो, ये मेंशन कर रहे हो कि 1000 के ऊपर जाएगा, देयर हैज टू बी समवन हु इज अपोजिंग इट, राइट? तो सामने वाला जो साइन कर रहा है वो ये बोलेगा लिटरली कि ये जो स्टॉक है वो 1000 के नीचे ही रहने वाला है बाय द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर मंथ, जब तक ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होते हैं, और आपने एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे 20 रुपये का प्रीमियम आपने पे किया। और राइट, अब यहाँ पे सिंपली क्या होगा ट्रेडर्स कि अब दो अपॉर्चुनिटीज है, दो पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे, दैट इज फर्स्ट वन इज की 1200 से ये स्टॉक 1200 पहुँच जाता है, और राइट सेकेंड वन इज की 1000 से नीचे चला जाता है ये स्टॉक, दो पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे, या 1000 पे ही रह जाता है, वॉट एवर। अगर 1000 से 1200 ये स्टॉक चला जाता है तो आप लिटरली के जाके क्या करोगे कि इस ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट जो आपने खरीदा हुआ था इसको जाके एग्जीक्यूट करोगे, और आप वहाँ से क्या खरीद लोगे, स्टॉक को वापस खरीद लोगे, एंड यू विल बी हैविंग अ बाइंग प्राइस ऑफ 1000 रुपीज, क्योंकि 1000 रुपीज पे आपने उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया था, खरीदा हुआ था, तो 1000 रुपीज का आपका कॉन्ट्रैक्ट था, तो आप 1000 रुपये पे स्टॉक को बाय कर सकते हो, इवन इफ द मार्केट इज ट्रेडिंग एट 1200 रुपीज। ऑलराइट, अब यहाँ पे क्या होगा, सिंपल से एक चीज होगी ट्रेडर्स आपके साथ, विच इज कि 1200 रुपये का ये स्टॉक अभी चल रहा है, 1000 रुपये आपने बाय किया, लेकिन 20 रुपये फिर रिमेंबर आपने कॉन्ट्रैक्ट को प्रीमियम भी पे किया था, कॉन्ट्रैक्ट को बाय करने के लिए साइन करने के लिए प्रीमियम भी पे किया था, तो यहाँ पे आपका ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ, 1200 माइनस 1000 रुपीज जो जिस पर आपने खरीदा है, -20 रुपीज, दैट इज 180 रुपीज का यहाँ पे आपको सिंपली प्रॉफिट हो चुका है। अब सेकेंड केस में जब ये स्टॉक जो है 1000 के ऊपर नहीं जाता है, इन दैट केस व्हाट विल हैपन इज कि 1000 के नीचे अगर चला जाता है या 1000 पे भी रह जाता है, इन दैट केस व्हाट विल हैपन इज दैट कि जिसके साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, दैट पर्टिकुलर गाय विल विन दिस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट, और वहाँ पे क्या होगा कि आपने जो 20 रुपये दिए थे, दैट पर्टिकुलर गाय विल सिंपली कीप दैट 20 रुपीज विथ हिम, कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये वर्थलेस एक्सपायर हो गया, 20 रुपये की इसकी वर्थ थी, अब जीरो हो चुकी है इसकी वर्थ, और 1000 के ऊपर ये स्टॉक जो है बाय द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर मंथ गया ही नहीं है, तो ही विल कीप दैट 20 रुपीज एंड यू लूज दैट 20 रुपीज। तो यहाँ पे ऑप्शंस में जो है रिस्क बहुत लिमिटेड होता है एंड रिवॉर्ड बहुत हाई होता है एज कम्पेयर टू द रिस्क यू आर टेकिंग। यहाँ पे भी अगर आप देखो तो 20 रुपये का आपने रिस्क लिया, अगर स्टॉक 1000 के ऊपर नहीं जाता तो आपको कितने का लॉस हो रहा था, ओनली 20 रुपीज का, लेकिन अगर स्टॉक ऊपर चला जाता है तो हाउ मच प्रॉफिट यू वुड हैव मेड, 180 रुपीज। सो लुक एट द रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो इन ऑप्शंस, सो बेसिकली दिस इज व्हाट ऑप्शंस आर। नाउ लेट अस टॉक अबाउट व्हाट आर कॉल ऑप्शंस एंड व्हाट आर पुट ऑप्शंस। सो कॉल ऑप्शंस आर बेसिकली एन एडवांस यू पे टू बाय अ पर्टिकुलर स्टॉक, आपको एक पर्टिकुलर स्टॉक को खरीदना है, जैसे ABC लिमिटेड को आपको 1000 रुपये खरीदना था, आपका एनालिसिस टोटली बुलिश था, तो आपने जो कॉन्ट्रैक्ट खरीदा होगा वहाँ पे जाके, दैट इज कॉल ऑप्शन, आपने कॉल ऑप्शन खरीदा था। आपको किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक को, जैसे लेट सपोज रिलायंस को आपको खरीदना है विदिन आफ्टर अ मंथ, अभी नहीं खरीदना है तो आप सिंपली जाके उसका कॉल ऑप्शन बाय कर लोगे। ऑलराइट, अब लेट सपोज कि आपने 2500 का उसका कॉल ऑप्शन बाय कर लिया, रिलायंस जो है 2800 चला गया बाय द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर मंथ, तो आप सिंपली जाके कॉल ऑप्शन को एग्जीक्यूट कर लोगे एंड यू विल बी एबल टू बाय दैट पर्टिकुलर स्टॉक एट 2500 बैक। सो कॉल ऑप्शंस आर बेसिकली एन एडवांस यू पे टू बाय अ पर्टिकुलर स्टॉक। नाउ पुट ऑप्शन इज बेसिकली अ इंश्योरेंस टू योर पोर्टफोलियो। नाउ लेट सपोज कि आपने एक स्टॉक को खरीदा हुआ है 2000 रुपए पे, एंड आपका एनालिसिस ये बोलता है, आपने इन्वेस्ट किया हुआ है बेसिकली उसको फॉर लॉन्ग इनफ टर्म, 2-4-5 साल के लिए आपने इन्वेस्ट किया हुआ है स्टॉक में, और आपका एनालिसिस ये बोलता है कि फॉर दिस पर्टिकुलर मंथ ये स्टॉक जो है 2000 के नीचे भी आ सकता है। ऑलराइट, तो आप सिंपली जाके क्या करोगे कि 2000 का उसका पुट ऑप्शन खरीद लोगे। नाउ इन दैट केस व्हाट विल हैपन इज कि लेट सपोज एक महीने बाद वो स्टॉक जो है 2000 से 1800 आ जाता है, तो 2000 पे जो आपने स्टॉक को खरीद रखा है, इन्वेस्ट किया हुआ है, वहाँ पे आपको लिटरली 200 रुपये का लॉस हो रहा है, बिकॉज आपने 2000 पे खरीदा है था, 1800 रुपये चल रहा है, 200 रुपये का स्ट्रेट आपको यहाँ पे लॉस हो रहा है। लेकिन व्हाट विल हैपन इन अनदर केस इज कि आपने पुट ऑप्शन जब खरीद लेते हो, आप 20 रुपये का आपने लेट सपोज प्रीमियम पे किया था, ऑलराइट, अब 2000 का आपने पुट ऑप्शन खरीदा था, सो बाय द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सपायरी अगर आप उस चीज को जाके एग्जीक्यूट करोगे, तो यू विल बी हैविंग अ पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर पुट ऑप्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टॉक एट 2000 रुपीज, और अभी स्टॉक कहाँ पे चल रहा है, 1800 रुपए पे। ऑलराइट, एंड ऑब्वियसली अगर प्रीमियम्स भी आप देखो उस पर्टिकुलर पुट ऑप्शन के, तो जैसे जैसे मार्केट नीचे गिरता जाएगा, डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे उस पुट ऑप्शन के प्रीमियम्स भी बढ़ते जाएंगे, और अगर स्टॉक 1800 रुपए पे क्लोज करता है ऑन दैट पर्टिकुलर एक्सपायरी, या तो आप एग्जीक्यूट कर लो, या फिर आपका जो प्रीमियम है उस पर्टिकुलर ऑप्शन का वो भी आराम से आपको 200 रुपये पे ट्रेड करता हुआ मिलेगा, या फिर सीधे जाके आप उस पुट ऑप्शन को एग्जीक्यूट भी कर सकते हो, जहाँ पे यू विल बी हैविंग अ शॉर्ट पोजीशन फ्रॉम 2000 रुपीज़ इन दैट पर्टिकुलर स्टॉक, जहाँ पे अभी उसकी करंट मार्केट प्राइस क्या है, 1800 रुपये। तो यू हैव अ शॉर्ट प्राइस शॉर्ट पोजीशन एट 2000 रुपीज़, 1800 रुपये उसकी करंट मार्केट प्राइस है, आपको यहाँ पे 200 रुपये का सिंपली प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन 20 रुपये आपने प्रीमियम पे किया हुआ था ट्रेडर्स यहाँ पे, जो 20 रुपये आपने प्रीमियम पे किया था वो अगर आप इसमें माइनस कर लेते हो, तो 180 रुपये के यहाँ पे सीधे आपको प्रॉफिट
प्रॉफिट हो रहा है, 2000 जो आपने स्टॉक खरीदा था वहाँ पे 200 रुपये का लॉस हो रहा है, तो ओवरऑल आपका जो लॉस है वो मिनिमाइज होकर आपको यहाँ पे कितना लॉस झेलना पड़ रहा है, ओनली 20 रुपीज़ का। और स्टॉक यहाँ से कितना भी नीचे गिरता चला जाता है इस पर्टिकुलर मंथ में, आपको कितने का लॉस होता, सिंपली 20 रुपीज़ का ही। ऑलराइट, क्यों? क्योंकि जितना नीचे जा रहा है उतनी आपको पोजीशन मिल भी जाएगी, आपने जितना प्रीमियम पे किया है उतना ही आपका यहाँ पे लॉस है। नाउ इन केस अगर ये स्टॉक जो है फॉर दिस होल मंथ 2000 के नीचे जाता ही नहीं है एंड बाय द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर मंथ ये स्टॉक जो है 2000 के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर देता है, व्हाट विल हैपन इन दैट केस इज सिंपल कि आपने जो 2020 रुपये पे किए थे टू बाय दैट पर्टिकुलर पुट ऑप्शन, दैट विल एक्सपायर वर्थलेस, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी पुट ऑप्शन की और वो जो हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा। जिसने उस पुट ऑप्शन को आपके साथ आपके अगेंस्ट जाके उसको सेल किया था, आपको जब आपने बाय किया पुट ऑप्शन, तो वहां पे सिंपली क्या होगा ट्रेडर्स कि he will receive that 20 rupees जो आपने पे किए हैं and he'll make 20 rupees over there और आपका जो है यहाँ पे 20 रुपये का लॉस हो रहा है। तो आपने अपनी पोजीशन को इंश्योर कर लिया, बड़े लॉस से बचा लिया एंड द मैक्सिमम लॉस यू विल बी हैविंग ओवर हियर इज सिंपल ऑफ 20 rupees and that is how put option is an insurance to your portfolio. Now there are two types of options, American options and European options. आपने देखा होगा मार्केट में हम लोग CE and PE करके डिनोट करते हैं, कॉल को हम बोलते हैं CE, शॉर्ट फॉर्म उसका CE है, पुट का शॉर्ट फॉर्म है PE. C stands for call European, P stands for put European. European and Americans में एक simple सा difference ये है traders कि American options को आप throughout the month कभी भी execute कर सकते हो. Let us suppose कि आपका analysis ये था कि stock जो है 1000 से 1200 चला जाएगा और चार ही दिन में वो stock 1200 चला जाता है, तो आप literally American options अगर आप trade कर रहे हो तो American options में आप उसी दिन जिस दिन वो 1200 पहुंच जाता है आप अपना contract को execute करके 1000 पे उसकी buying price खरीद सकते हो और उस stock को खरीद सकते हो basically. और यूरोपियन ऑप्शंस में क्या होता है कि जिस दिन की उस पर्टिकुलर ऑप्शन की एक्सपायरी है, जिस दिन वो पर्टिकुलर ऑप्शन एक्सपायर होगा, जो लास्ट डेट है उसकी, उसी दिन आप उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट कर सकते हो. एंड इन इंडिया वी फॉलो यूरोपियन ऑप्शन, सो दैट इज द रीजन वी कॉल देम सीई एंड पीई, कॉल यूरोपियन एंड पुट यूरोपियन. अब व्हाट इज एक्सपायरी, स्ट्राइक प्राइसेस क्या होते हैं, एटीएम ओटीएम आईटीएम क्या होता है, विल टॉक अबाउट एवरीथिंग इन डिटेल इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर गाइस, एंड इफ यू लाइक द कंटेंट ऑन दिस चैनल डू लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो, लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो, शेयर दिस एज मच एज पॉसिबल फॉर दोज हु आर इंटरेस्टेड इन स्टॉक मार्केट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल एज वेल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर.